क्या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखते हैं, तो आप अपना ये सपना जरूर से पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, चलते फिरते अपने आसपास आपको ऐसे कई सारे बिजनेस आइडियाज दिख जाएंगे जिन्हें आप इजीली कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। और ये वो बिजनेस आइडियाज हैं जो कभी फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आया है जिनकी जरूरतें हमारी जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होंगी। ये वैसे तो है स्मॉल बिजनेस आइडियाज, लेकिन इनमें अच्छा प्रॉफिट भी है और आप इन्हें शहर और गांव कहीं पर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस काउंटडाउन को। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट स्टोर की। जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं और अगर वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप खाली हाथ जाना पसंद नहीं करेंगे। गिफ्ट ले जाना हमेशा एक अच्छा गेस्चर माना जाता है। बर्थडे पार्टी, मैरिज सेरेमनी, ऑफिस में किसी का प्रमोशन हो, किसी की रिटायरमेंट हुई हो, किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हो, वैलेंटाइंस डे, और किसी से लंबे अरसे बाद आप मिल रहे हो, या फिर और कोई स्पेशल ओकेजन हो, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप गिफ्ट शॉप से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और मैन पावर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के लिए आपके पास सभी आइटम्स अवेलेबल हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि मार्केट में गिफ्ट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स की चॉइस का ख्याल रख रहे हैं, तो आप आराम से इस बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले बिजनेस आइडिया की, जो है ग्रोसरी शॉप। हो सकता है कि आपको ये सुनकर के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो कि ग्रोसरी शॉप का आइडिया कुछ कॉमन नहीं है, या ग्रोसरी की दुकान तो मेरे फलाने रिलेटिव के भैया भी चलाते हैं। तो बात दरअसल ये है कि मोहल्ले में ग्रोसरी की दुकान होते हुए भी आप कई बार शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट से घर का सामान क्यों ले आते हैं। एक्चुअली बात ये है कि इस बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, अगर आपके एरिया में कोई बड़ी ग्रोसरी शॉप नहीं है, तो आपके पास ये मौका है कि सुपरमार्केट टाइप की कोई दुकान खोली जाए, जहाँ पर लोगों की जरूरत का सारा सामान मौजूद हो और लोगों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। सुपरमार्केट वाला कॉन्सेप्ट इसलिए कामयाब है क्योंकि वहाँ पर लोगों को डिस्काउंट मिलता है और लोग एक ही बार में हफ्ते या महीने का सामान ले आते हैं। इससे आपको ज्यादा बिजनेस भी मिलेगा और बिलिंग सिस्टम होने से लोग उधार पे सामान भी नहीं मांगेंगे, है ना? जैसा कि मॉल्स या किसी सुपरमार्केट में होता है। बस इसके लिए आपको अच्छे से सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको बल्क में सीधे किसी बड़े डीलर से या कंपनी से माल दिलवाए। अब आता है अगला बिजनेस आइडिया, जो है स्टेशनरी शॉप। लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पूरी होती है स्टेशनरी शॉप से। चिप्स, बिस्किट, पेन, पेपर, कॉपी, डायरी, नोटपैड, साबुन, शैम्पू से लेकर के डेली यूज होने वाली सभी चीजें स्टेशनरी शॉप पर मिल जाती है। स्टेशनरी आइटम्स में प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है और अपना स्टोर खोलने के लिए आपको ज्यादा लागत भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आप अपनी दुकान में जेरोक्स मशीन, लेमिनेशन मशीन, कॉफी वेंडिंग मशीन या फिर कोल्ड ड्रिंक आइटम्स रख लेते हैं, तो अपने कस्टमर्स के लिए आप वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मोबाइल शॉप की। क्या आपका कोई ऐसा दिन है जो बिना मोबाइल फोन के गुजरता है? नहीं ना? तो आप मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल हमारी जरूरत बन चुकी है। आए दिन मोबाइल फोन के नए मॉडल मार्केट में आ रहे हैं और 2-3 साल में लोग अपना फोन बदल ही देते हैं। वैसे भी अगर मोबाइल खो गया, टूट गया या चोरी हो गया, तो ज्यादातर लोग नया फोन ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के चलते आजकल रिपेयर और रिप्लेस होने वाले स्पेयर पार्ट्स कम ही बन रहे हैं, इसलिए लोग नया लेने की सोचते हैं। इसके अलावा भी मोबाइल एक फैशनेबल आइटम बन गया है, जिसके कवर, प्रोटेक्शन ग्लास, एक्सेसरीज और इंश्योरेंस पर लोग काफी खर्च करने लगे हैं। तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी की डीलरशिप लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं फूड ऑन व्हील्स की। कितना अच्छा लगता है ना, जब आपकी मनपसंद चीज आपको अपने आसपास या घर के सामने ही मिल जाए। इसलिए मोबाइल फूड शॉप या फूड ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट भी भारत में बढ़ने लगा है। मोमो, चाउमिन, रोल, डोसा, इडली, ग्रिल्ड आइटम्स के साथ खोला गया फूड वैन आजकल आपको हर शहर में दिख जाएंगे और लोगों की भीड़ भी लगी ही रहती है। कई ऐसे फूड ट्रक या फूड वैन्स हैं जिन्होंने पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना रखा होता है कि किस दिन कहां जाना है। किसी बिजी चौराहे, मॉल या पार्क के सामने, ऑफिस बिल्डिंग या मार्केट में अगर आप अपना फूड वैन लगा दें और क्वालिटी फूड डिलीवर करें, तो कौन खाना नहीं चाहेगा। इस तरह के बिजनेस में ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और ना ही कोई दुकान या रेस्टोरेंट किराए पर लेना पड़ता है। किसी सेकंड हैंड गाड़ी को मॉडिफाई करवा करके आप ये काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी के लिए खुद को रजिस्टर करवा लेंगे, तो वहाँ से भी ऑर्डर मिलेगा, है ना अच्छी बात।
अब बात करते हैं अगले आइडिया की, जो है ट्रैवल एजेंसी। घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता है। दुनिया भर में टूरिज्म इंडस्ट्री हर साल करोड़ों अरबों का बिजनेस करती है। ऐसे में अगर आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं तो टिकट बुकिंग, कैब सर्विस, होटल बुकिंग और टूर पैकेजेस के साथ आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी पर एक फुल केस स्टडी वाला वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर ट्रैवल एजेंसी कैसे खोलनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी, जरूर से देखिएगा। और अब बात करते हैं गेम पार्लर की। एक जमाना था जब 99-in-1 सुपर मारियो जैसे गेम्स का क्रेज था, पर आज जमाना पबजी और फ्री फायर जैसे हाईटेक गेम्स का है। रियलिटी तो ये है कि आजकल बच्चे ग्राउंड में कम और मोबाइल पर ज्यादा गेम खेलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, स्नूकर, एक्शन गेम्स सभी मोबाइल में आ रहे हैं। इनके अलावा भी ग्रुप में खेले जाने वाले गेम्स और ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम्स, जिनके लिए अच्छे कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, उनके लिए आपको गेम पार्लर में जाना होगा, जहां पर हेडफोन, बड़े स्क्रीन, साउंड सिस्टम और बाकी फैसिलिटीज हों। गेम खेलने के लिए गेम पार्लर वाले घंटे के 20 से 50 रुपए तक चार्ज करते हैं। ये सेटअप आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं और इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे खुद ही एक दूसरे को बता करके आपके बिजनेस की माउथ पब्लिसिटी कर देंगे। बस आपको अपने यहाँ लेटेस्ट गेम्स, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप जैसी सुविधा रखनी पड़ेगी। तो ये तो हुई गेम्स पार्लर की बात, अब करते हैं मेंस ब्यूटी पार्लर की बात। आपको लेडीज ब्यूटी पार्लर तो हर कहीं दिख जाएंगे, पर लड़कों का क्या? आज भी ज्यादातर लोग सैलून में ही जाते हैं, और जब अच्छी सर्विस की बात आती है तो बेसिक फैसिलिटीज के साथ सैलून से काम नहीं बनता है। साथ ही आजकल हैंडसम और गुड लुकिंग दिखने के लिए लड़के भी पैसे खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर कोई मेंस ब्यूटी सैलून खोलेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपका ये बिजनेस डाउन तो बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ सर्विस क्वालिटी बेहतर रखने से नहीं चलेगा, सैलून के ओवरऑल लुक पर भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जहां पर आपके कस्टमर को अच्छा फील हो। स्टाइलिश हेयर कट, फेशियल, हेयर कलर, स्पा और ब्यूटी केयर सर्विसेज के साथ अगर आपने एक बार मार्केट में अपनी जगह बना ली तो अच्छा मुनाफा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। VLCC, जावेद हबीब या कोई और बढ़िया इंस्टीट्यूट से अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स ले लेते हैं तो आराम से आप अपने कस्टमर का भरोसा जीत सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं डेयरी शॉप की। मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी। दूध, घी, पनीर, चीज, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अगर आप आउटलेट खोलते हैं तो इसके लिए आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मार्केट में अमूल, मदर डेयरी जैसे ढेर सारे ऐसे नेशनल और लोकल ब्रांड्स हैं जिनकी डीलरशिप लेकर इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। इनके साथ साथ आप आइसक्रीम, मिठाइयां और केक आइटम्स के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुक स्टॉल की। ना ही लोग कभी पढ़ाई बंद करेंगे और ना ही कभी स्कूल बंद होंगे। मतलब अगर आप बुक स्टॉल खोलते हैं तो स्कूल आइटम्स, ऑफिस आइटम्स, स्कूल की किताबें, स्पोर्ट्स गुड्स, न्यूज़पेपर एजेंसी जैसे कई सारे काम एक ही जगह से कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली किताबों और सिलेबस का अच्छा कलेक्शन है, साथ ही स्कूल में आने वाली सारी चीजें अवेलेबल है, तो इस काम में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। किसी भी अच्छे पब्लिशर, होलसेल डीलर और सप्लायर से अगर आप बल्क में सामान मंगवाते हैं तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। तो ये तो हुई बुक स्टॉल की बात, और अब करते हैं बात जिम एंड फिटनेस सेंटर की। एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, वेट लॉस करने के लिए आजकल जिम जाना लोग पसंद करते हैं। अगर आप किसी ऐसे शहर या टाउन में है जहां पर लोग जिम जाना पसंद करते हैं और जिम की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो जिम खोलना अच्छा बिजनेस मॉडल है। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्योंकि आपको एक बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अच्छे इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, बाथरूम, शावर रूम जैसी फैसिलिटी रखनी पड़ेगी और 2-3 ट्रेनर भी आपको हायर करने पड़ेंगे। तो आप इस बारे में प्लान कर सकते हैं। और अब जहां तक है अगली प्लानिंग की, तो वो आप कर सकते हैं टी स्टॉल के बारे में, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय से होती है। चाय पीने को लेकर के सबकी अपनी अलग अलग आदतें हैं। किसी को चाय बिस्तर पर चाहिए तो किसी को ब्रश करने के बाद, किसी को ब्रेकफास्ट टेबल पर तो कोई अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की लेता है। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर चाय की टपरी पर तो अक्सर लोगों की भीड़ ही लगी रहती है। कोई अदरक वाली चाय का दीवाना होता है तो कोई लेमन टी का, किसी को लाल चाय तो किसी को दूध वाली चाय पसंद आती है। गांव या शहर के हिसाब से एक चाय का कप 5 रुपए से लेकर के 100 से 200 रुपए तक का हो सकता है। टी स्टॉल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही ज्यादा पैसों की जरूरत लगती है। अगर आपको चाय की दुकान खोलना कोई छोटा बिजनेस लग रहा है तो आप चायोस, चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाला जैसे चाय बेचने वाले ब्रांड्स के बारे में जरूर से जानिए, जो चाय बेच करके ही करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। चाय का बिजनेस कैसे शुरू करना है,
इस पे आपको क्विक सपोर्ट का केस स्टडी वाला वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर से देखिएगा। इनके अलावा भी आप इंश्योरेंस एजेंट और रियल एस्टेट एजेंट बनकर के, कैटरिंग सर्विस शुरू करके, इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानर बनकर के, फ्रीलांस फोटोग्राफर बनकर, फ्रीलांस राइटर बनकर के भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कस्टमर फ्रेंडली बिहेवियर और अपने काम में हमेशा बेस्ट देने की मेंटालिटी आपको आगे ले जाएगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। और हमेशा आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे उसके लिए जरूरी है कि क्विक सपोर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करे। तो रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।